guys, today we will discuss how to maintain the data, FI's activity, how to make Excel sheet, and how to analyze this data. So in FI's data, basically, we generally see lot of messages coming every day to us that FI's ne itna buying kiya, itna selling kiya, their derivatives activity and all. But it's very easy to interpret the cash market data, but somehow the messages which we get on our WhatsApp or through social media can be the misleading one also. So that's why I choose this topic so that everyone can make the file on their own, and it would be helpful for everyone to get the data easily. Okay. So we'll keep this session both in Hindi and English. So main dono use karunga so that everyone can understand it easily. Okay. So let's first move to the cash market segment. ठीक है, तो ये FIs का एक्टिविटी है. आई मेड अ चार्ट फॉर द सेम. आप देख सकते हैं कि DIs का कंटिन्यूस बाइंग चालू है, बड़े बड़े टिक्स आ रहे हैं, और FIs का बड़ा बड़ा सेलिंग टिक आ रहा है. बीच में थोड़ा FIs ने भी बाइंग किया था 8th एंड 9th अप्रैल को, देन ऑन 15th अप्रैल. बाकी मेजरली इफ यू सी तो FIs का कंटिन्यूस सेलिंग ही है एंड DIs का कंटिन्यूस बाइंग हो रहा है. ठीक है, अभी ये डेटा कहाँ से लेना है? ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट. देन ऑल्सो लेट मी जस्ट शेयर यू द सेम. तो कुछ नहीं करना है, सिंपल एक टाइप कर लो FI DI एक्टिविटी NSE. ओके, गूगल में बस इतना टाइप करो तो फर्स्ट लिंक विल कम ऑफ NSE वेबसाइट, और वहां पे आपको एवरी डे ये डेटा मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द प्रोविजनल फिगर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अभी कल का क्या था कि FIs ने 916 करोड़ का सेलिंग किया था एंड DIs बॉट अप टू अराउंड 1142 करोड़. तो ये जो नेट फिगर है वो अपने काम का है. ठीक है, तो वो एवरी डे यू कीप ऑन नोटिंग दैट फिगर और एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है. यू कैन सी कि 1 जनवरी से इसमें पूरा डेटा है कि FIs का कितना बाइंग है, सेलिंग है, और क्लियरली पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन FIs है, सेकंड वन DIs है. अब अगर थोड़ा सा पहले का डेटा देखेंगे, सो जब भी फॉल स्टार्ट हुआ है, ओके, वो टाइम से FIs वर कंटिन्यूसली सेलर. ठीक है, अभी यू जस्ट टेक 25th फरवरी एंड 25th फेब से इट कंटिन्यूसली FIs आर सोल्डिंग इन इक्विटीज. इफ यू सी फ्रॉम 25th फेब, इफ आई चेक कंसेक्यूटिव 26th मार्च तक पूरा एक महीना कंटिन्यूस उन्होंने सेलिंग किया है एंड देयर टोटल सेलिंग वाज 68,971 करोड़. सो अराउंड 69,000 करोड़ का FIs का सेलिंग हुआ है उसमें. ओके, सो जब भी इफ यू स्टार्ट सीइंग नंबर्स लाइक 2000 करोड़, 2500 करोड़ लाइक दैट, एंड इफ यू सी कंसेक्यूटिव सेलिंग, ठीक है, कंटिन्यूस 3-4 दिन हो गया FIs का सेलिंग 1000 करोड़ से ऊपर हो रहा है, देन इट्स अ समहाउ अ नेगेटिव साइन फॉर इंडियन इक्विटीज. ठीक है, now see basically I did not exported this file, this is a manually aapko daily add karna hai. So what you need to do is you just need to add the previous day number. theek hai, ek minute, abhi ye 27th ka kiya hua hai, kal 28th ka matlab aaj sham ko 28th april likh ke uske aage jo hai NSE mein ye jo number aa raha hai wo number aapko khali dalna hai. सो दैट आप एक डेटा मेंटेन कर रहे हो कि कैश मार्केट में FIs का क्या एक्टिविटी हो रहा है. ठीक है, अभी FIs का बेसिकली व्हेन दे आर सेलर्स, ओके, इन दैट सिनेरियो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मार्केट ऊपर जाता है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आज सेलिंग किया तो कल की कल गिरेगा, बट देयर सेलिंग एंड बाइंग मेक्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इक्विटीज इन इंडियन मार्केट बिकॉज दे प्रोवाइड लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड उनका जो क्वांटम है वो काफी हाई है.
Now, from where we can get the historical data? That's a good question. You can get the historical data from various websites also, and it's very easily available without any cost. Okay, आप मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट में जाओगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में मिल जाएगा. इफ यू आर यूजिंग सम ऐप लाइक से स्टॉक एज और एनीथिंग, यू कैन गेट देयर आल्सो. तो ये डेटा इजीली अवेलेबल है, यू जस्ट टाइप इन गूगल एंड यू कैन गेट द हिस्टोरिकल डेटा एज वेल. ठीक है, तो ये बहुत ईजी है. ग्राफ प्लॉट का तो सिंपल है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और ग्राफ का ऑप्शन आता है, सो यू कैन प्लॉट द ग्राफ. So I think that's the like not so important part. So ye graph aa gaya hai, say FIS ka kitna, DIS ka kitna, and this is I selected from 1st April. Theek hai, so ye abhi yahan pe jo graph liya hua ye thoda sa chote time period ka, so that you can easily see the data. Pura bada lunga to aapko easily dikhega nahi, wo bahut chota chota ho jayega uska bars. F, I said, stock edge में you can get, ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल के ऐप में भी आपको मिल जाएगा FIS data. So, see, getting cash activity is very easy. आपको गूगल में आप खाली डालो FIDI cash activity, you will get a lot of links जहां पे आपको ये data available है, मिल जाएगा easily. It's not that difficult. जो डिफिकल्ट पार्ट है वो मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ. एफ एंड ओ जो डेटा है वो कैसे करना है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई सी बेसिकली मेरा पीपीटी पार्ट बहुत छोटा है इसमें, बिकॉज आई विल टॉक लॉट ऑन एक्सेल टुडे. ओके, नाउ दिस इज द वन पार्ट, कैश मार्केट एक्टिविटी विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू एनालाइज ऑल्सो. सिंपल चीज क्या है, अगर कंसिक्यूटिव 1500 करोड़ का एवरीडे सेलिंग होने लग जाता है, इट मींस कि प्रेशर इज देयर ऑन मार्केट एंड इट्स टाइम टू बी लाइट ऑन लॉन्ग पोजीशंस. ठीक है, वहां पे लॉन्ग धीरे धीरे एग्जिट करना है. और अगर कंटिन्यूसली FIS का 1500 करोड़ का 2-3 दिन 4 दिन बाइंग होने लग गया, सो इट शोज कि बाइंग इज देयर एंड यू नीड टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज वेरी इजी. नाउ लेट्स we get such kind of messages. ठीक है, रोज अपने को कहीं ना कहीं WhatsApp group में and everywhere we get this kind of messages from different sources. That's why I just mark the ये जो source है उसको मैंने बंद किया है. ठीक है, तो ये 24th April का है for example, ये 27th April का है. तो we can see कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, that's more important. FIS net buy 85 CR in F&O. Okay, then comes FIS net sell 456 crores in index futures. FIS net buy 632 crores in index options. FIS net sell 105 crores in stock futures. Okay, now if the buy or sell figure is there in index future, then it's easy to understand ki buying kiya ya selling kiya. Okay, बट ऑप्शन में जो बाइंग फिगर होता है, दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे लुक एट द बाय फिगर इन ऑप्शंस. सो दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट. नाउ इफ यू लुक एट दिस डेटा, ठीक है, ये जो 24th अप्रैल का डेटा है, सी इफ यू सी 456 करोड़ का फ्यूचर्स में सेलिंग है, विच इज अ नेगेटिव साइन. ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में 105 CR का सेलिंग है, वो भी मार्जिनली नेगेटिव, एंड इंडेक्स ऑप्शंस में 632 करोड़ का बाइंग है. सो नेट नेट दे रोट 85 CR का नेट बाइंग है. ओके, बट सी बाय लुकिंग एट दिस नेट डेटा वी थिंक कि मार्केट में FIS मेजरली बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है. इंडेक्स ऑप्शंस में देर आर 4 पॉसिबिलिटीज. दे कैन एदर बाय कॉल ऑप्शंस, they can either sell call option or put buying or put selling. ये चारों चीजें possible है और चारों का data accordingly उसमें दिखता है. So never ever go with this number कि FIS का इतना करोड़ का index options में buying है. ठीक है, उसको strictly avoid करना है. Okay, so we don't
गेट इन ट्रैप विद सच काइंड ऑफ नंबर कि वहां पे कितना बाइंग है या कितना सेलिंग है. तो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो क्या हो रहा है उसमें, उसका एक्टिविटी क्या हो रहा है. ओके, नाउ हाउ वी रीड डेटा, ठीक है, मैं आपको, सो दिस इज हाउ वी मेक डेटा एंड वी रीड इट. ओके, सो वी मेक लाइक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, जहां पे सबका आ गया, क्लाइंट ने इतना किया है, डीएस ने इतना किया है, एफआईएस का है, प्रो का है, देन शॉर्ट कितना किया है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग कितना है, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट कितना है. तो दिस इज दी लाइक वेरी एलोबरेटेड फाइल और अ सीट जहां पे पूरा डाटा मिल जाता है एक साथ में. नाउ इट्स वेरी इजी टू मेक सच डाटा. सो मैं आपको कैसे वो बनाना है डाटा उसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है. सो लेट्स टेक एक काम करते हैं, सीधा एनएसई की वेबसाइट में जाते हैं. सो दिस इज द होम पेज, दिस वन इज द ओल्ड वेबसाइट. होम पेज में जाके इन प्रोडक्ट्स यू विल सी इक्विटी डेरिवेटिव्स. ओके, होम पेज में प्रोडक्ट्स के अंदर इक्विटी डेरिवेटिव्स लिखेगा. यू कैन नोट डाउन द वे फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द एक्सेल शीट, ठीक है. आप वो उसका पास चाहिए तो लिख के रख लो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक नहीं करा मैं, जस्ट उसके ऊपर कर्सर लेके गया तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स, डेप एंड ट्रैकर. ओके, एंड डेरिवेटिव्स में द फर्स्ट वन इज इक्विटी डेरिवेटिव्स. यू क्लिक ऑन इट एंड इफ यू क्लिक करंट मार्केट रिपोर्ट्स एंड व्यू ऑल, देन वी गेट ऑल द एक्सेल फाइल्स. ओके, अभी कल के दिन का इफ यू से 27th वी हैव एफआईएस डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स. तो इसको मैंने डाउनलोड किया. नाउ इफ यू सी यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है. नाउ दिस इज इन कॉन्ट्रैक्ट्स, कितना कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया या सेल किया है, दिस इज अमाउंट एंड दिस इज द नेट नेट टोटल. ओके, सो टू फाइंड आउट वी कैन इजीली यूज अ फॉर्मूला. सिंपल कैलकुलेशन है, सेल माइनस बाय, ओके, सेलिंग अमाउंट, सॉरी बाइंग अमाउंट माइनस सेलिंग अमाउंट. सो द नेट नेट दे बॉट इंडेक्स फ्यूचर्स वर्थ रुपीज 1548 करोड़. तो उसको मैं फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दिया. सो वी गॉट 1548 फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स, 503 करोड़ फॉर इंडेक्स ऑप्शंस, 298 करोड़ फॉर स्टॉक फ्यूचर्स सेलिंग एंड 73 करोड़ का स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग है. नाउ दिस इज द नेट फिगर. ओके, सो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट. अभी ये तो हम लोग को यहाँ पे भी मिल जाता है द सेम थिंग. इफ यू सी 1548 यू गेट द सेम मैसेजेस, एवरीथिंग इज 503 298, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल. नाउ व्हाट इज द मेन पार्ट, ठीक है. इंडेक्स फ्यूचर्स में भी दो पॉसिबिलिटी है, एदर सी बाइंग फिगर कैन बी फ्रॉम टू वेज, एदर इट कैन बी अ फ्रेश बाइंग और अ शॉर्ट कवरिंग बाइंग, ठीक है. एंड दोनों से मार्केट के ऊपर अलग इम्पैक्ट आता है. इफ फॉर एग्जाम्पल एफ आईज आर वेरी लाइक हैविंग अ ह्यूज शॉर्ट्स इन द मार्केट, इन आवर मार्केट इन फ्यूचर्स, और बाद में वहां पे अगर उनका शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होता है देन अ बाउंस बैक कैन बी वेरी फास्ट.
Okay, and for example, if they are very light on positions and if they start taking any one side position, either on the buy side or on the sell side, तो वहां पे एक बेस बना के और फ्रेश डेली और फ्रेश फॉल स्टार्ट होने के चांसेस है. तो वी नीड टू मेक इट श्योर कि ये जो बाइंग फिगर है ये फ्रेश बाइंग हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग का बाइंग है. ओके, फॉर दैट ओके लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस इन बिटवीन. ओके आई विल रिपीट इट अगेन. ओके सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. तो एक काम करते हैं, ये कौन सी डेट का है, 27 अप्रैल का. ओके मैं एक काम करता हूं, मैं 26 अप्रैल का डेटा लेता हूं एंड देन विल एक्सप्लेन यू सो दैट आपको पाथ भी पता चल जाएगा और इसको कैसे एनालाइज करना है वो भी पता चल जाएगा. इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो फिर से एनएसई की वेबसाइट में गया, मैं फिर से पूरा होम पेज में जाके आपको पाथ बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये फाइल लेना है. यू गाइस प्लीज नोट डाउन कि ये कहाँ से आ रहा है फाइल. ठीक है, ये प्रोडक्ट में गए, होम पेज में प्रोडक्ट, देन डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करंट मार्केट रिपोर्ट्स. इन करंट मार्केट रिपोर्ट्स देयर इज अ लास्ट ऑप्शन दैट व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स. इफ यू क्लिक ऑन इट वी विल गेट द एफआईज डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स. तो ये वाला फाइल मैंने डाउनलोड किया था, ये 27th का किया था. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे हिस्टोरिकल डेटा देखना है. फॉर एग्जाम्पल 27th का नहीं, पुराना देखना है. तो गो टू हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे ऑप्शन है एंड द सेकेंड वन आर्क्यूज. सो उसके ऊपर क्लिक किया, सो ये एक आ जाता है ऑप्शन जहां पे ऑल एफेंडो हिस्टोरिकल डेटा इज अवेलेबल. आपको लास्ट 5 साल का डेटा भी इसमें मिल जाएगा. ठीक है, सो जस्ट क्लिक ऑन इट, गो टू एफ आई डेरिवेटिव स्टेटिस्टिक्स एंड डेट डाल दो. हम लोग को 26 का देखना है, 26 वाज हॉलीडे. तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन बिफोर 27 वाज 24. तो गेट डेटा, वी गॉट दिस एक्सेल फाइल. ठीक है, ये एक्सेल फाइल को मैं सीधा एक बार कॉपी करके अपना जो पुराना एक्सेल में हम लोग कर रहे थे इसमें पेस्ट कर देता हूं. सो दिस वन इज 27 अप्रैल और ये है 24 अप्रैल. ओके, ये अपना डेटा हो गया. ये सेम जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. फॉर्मूला एकदम इजी है, कुछ नहीं किया मैंने. बाय अमाउंट, ओके ये जो बाय अमाउंट है, बाय अमाउंट माइनस सेल अमाउंट, ये खाली किया है. तो यहाँ पे आ गया नेट फिगर कि कितना करोड़ का बाइंग या सेलिंग किया है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि वो फ्रेश बाइंग है या फिर शॉर्ट कवरिंग है. ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन ओवाई कितना है. सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, सी बेसिकली आई एम टेलिंग यू गाइस कि एनएससी प्रोवाइड ऑल डेटा. ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी टू इंटरप्रेट, बट वी बेसिकली डोंट नो कि कैसे उसको इंटरप्रेट करना है. ओके, वी डोंट नो कि ये सब डेटा अवेलेबल भी है या नहीं है. वी थिंक कि अरे कोई रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स not that difficult. ठीक है, so now what we need to do is we need to open interest simply means ki total number of open positions as of now. ठीक है, since we are looking at the FIs data, so this is the total number of open contracts in index futures.
जो ये कल का था और ये आज मतलब ये 24th का था और ये 27th का है. सो वी कैन क्लियरली सी कि 24th को कितना था, 1,50,000 था और अभी कितना हुआ है, 1,46,000. तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है. ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट ओवाई चेंज. ओवाई चेंज में परसेंटेज टर्म में मैं कर देता हूँ सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि कितना परसेंट ओवाई चेंज हुआ है. ओके, सो करंट डेटा माइनस प्रीवियस डेटा डिवाइडेड बाय प्रीवियस डेटा, सो आई विल गेट द चेंज इन ओवाई. सो ये चेंज इन ओवाई पता चल गया. सो विद बाय जस्ट लुकिंग एट द चेंज इन ओवाई वी कैन सिंपली से कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स का बाइंग है वो मेजोरिटी ऑफ बाइंग इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट कवरिंग. ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक सम क्वेरी. सम क्यूएनएज आर देयर समडे. ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओके, सो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट सिंपली मीन्स कि कितना ओपन इंटरेस्ट, कितना ओपन पोजिशन है. मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में ये बता रहा हूँ. ऐसे ओपन इंटरेस्ट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक और अगर हम लोग वो उसके ऊपर डिस्कशन करने लगे तो शायद ये एक घंटा उसमें निकल जाएगा ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करने में. सो इन वेरी सिंपल टर्म्स ओपन इंटरेस्ट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजिशन इन द सिस्टम, कि अभी कितना पोजिशन ओपन है. सिंस वी आर लुकिंग एट FIs डेटा तो ये FIs का टोटल ओपन पोजिशन दिखा रहा है. ओके, नाउ द सेम वे यू जस्ट ड्रैग द डेटा वी कैन सी कि इंडेक्स ऑप्शंस में कितना परसेंट OI बढ़ा है, 6% के अराउंड, 5.64%. ओके, एंड बाइंग हुआ है, इट मींस कि ऑप्शंस में बाइंग हो रहा है. नाउ इट्स अगेन कंफ्यूजिंग, बाइंग कैन बी इन कॉल्स ऑल्सो और पुट ऑल्सो. ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना वो भी बताता हूँ. Now, so this is the mota-moti and very easy to understand data. So I will go step by step so that you can easily understand. Now, let's take one example. For example, ki open interest or price ka relation kaisa hota, uske upar ek aata hun. Ki say, if someone is buying worth rupees 100 CR, so open interest generally 2-3% बढ़ना चाहिए इंडेक्स में. जस्ट मैं एक ऐसे एग्जांपल है, डोंट टेक कि ये एग्जैक्ट 2-3% बढ़ेगा, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि 100 करोड़ 100 करोड़ का अगर बाइंग है तो इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है. ओके, इन केस इफ दिस बाइंग गोज टू 1,000 CR तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये समहाउ 8-10% इंक्रीज होता है. ओके, बट इन और वाइस वर्सा सेलिंग में भी हो जाएगा कि अगर 100 करोड़ का सेलिंग हो रहा है तो ओपन इंटरेस्ट उतना कम भी हो जाएगा. सो नाउ इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, सो बाइंग फिगर इज वेरी बिग, 1500 करोड़ बाइंग इन फ्यूचर्स इज अ बिग अमाउंट. ठीक है, बट ओपन इंटरेस्ट मार्जिनल चेंज हुआ है. सो इट मीन्स कि इसमें दो चीजें इंक्लूड है. सो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, FIs, बिकॉज FIs नॉट अ सिंगल एंटिटी. ठीक है, there can be multiple entity and they are taking out different trades from different entities plus index futures mein do aata hai, bank nifty nifty dono hai, teesra bhi hai nifty it but usme itna volumes nahi hai. So majorly two index, nifty and bank nifty. So abhi kisme kitna liya hai pata nahi hai. Theek hai, ek mein buying bhi ho sakta hai, dusre mein selling bhi ho sakta hai or like that. So if we look at this data, so we can simply say ki for example if FIs are buying, या फिर सॉल्ट कवरिंग में लिखता हूँ, सॉल्ट कवरिंग मतलब भी बाइंग ही हुआ. ठीक है, वर्थ रुपीज 1,000 CR एंड फ्रेश बाइंग वर्थ रुपीज 550 लिख दे, 548 लिख देता हूँ एग्जैक्ट. ओके, सो इन व्हाट हैपेंस इन सॉल्ट कवरिंग बेसिकली क्या होता है कि जो पोजीशंस ऑलरेडी सॉल्ट है उसको एग्जिट कर रहा है. तो कोई भी पोजीशन जब एग्जिट होता है तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट से ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 7%.
जस्ट एग्जाम्पल है, सो आई विल राइट इट -7% एंड फ्रॉम द फ्रेश बाइंग से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%. सो नेट नेट इफ यू कंसिडर तो क्या हो जाएगा, 7% माइनस और 4% वाला तो -3% रह गया जो यहाँ पे आ रहा है, और अमाउंट आपका अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा 1548 CR प्लस करोगे तो. ठीक है, तो ये जब भी प्राइस अगर बड़ा है एंड ओपन इंटरेस्ट चेंज कम है, इट मींस इट्स अ मिक्स्ड पोजीशंस. ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई विल शोइंग यू वन मोर फाइल जहां पे आपको पूरा डेटा ही अवेलेबल है, यू कैन गेट द एंटायर डेटा इटसेल्फ. बस उसमें ये बाइंग और सेलिंग फिगर नहीं आएगा कि कितना करोड़ का बाइंग है, वो उसमें नहीं दिखेगा. वो देखने के लिए आपको ये डेटा मेंटेन करना है. ओके, नाउ लेट्स अगेन मूव टू द एनएससी वेबसाइट. ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट में जाके सेम वैसे की वैसे ही है. सो दिस इज द आई एम जस्ट मैं ये जो लिंक है ना ये आपको चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, बिकॉज मेनी पीपल आर आस्किंग फॉर द पाथ. तो ये लिंक से आप यू कैन फाइंड आउट इजीली. ठीक है, सो दिस इज द लिंक, यहाँ पे आप जाके दिस इज द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट द हिस्टोरिकल डेटा एज वेल एज करंट डेटा. ठीक है, सो नाउ मूव आई एम गोइंग टू वन फाइल नेम पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट. ओके, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट. सो लेट मी डाउनलोड द फाइल ऑफ 24th फर्स्ट एंड देन विल डाउनलोड फॉर 27th. या गाइस, एनएससी बेसिकली प्रोवाइड डेटा ऑफ बोथ एनएससी एंड बीएससी, बिकॉज एफआईएस का जो डेटा आता है वो एनएससी एंड बीएससी दोनों का इंक्लूड होकर आता है. बट सिंस मेजर एक्टिविटी इज हैपनिंग इन एनएससी, तो वी कंसिडर कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज दी जस्ट हेडिंग के लिए इसको बड़ा कर देता हूँ. दिस इज दी पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, एज ऑन 24th अप्रैल. इट मीन्स कि 24th अप्रैल को किसमें कौन से क्लाइंट मतलब क्लाइंट वाइज कौन से सेगमेंट में कितना ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस है या ओपन पोजीशंस कितना इंटैक्ट है. ओके, सो लेट्स चेक दिस. नाउ इफ यू सी द फर्स्ट कॉलम इज फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, मतलब लॉन्ग पोजीशंस कितना है. फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, इंडेक्स कॉल लॉन्ग कितना, इंडेक्स पुट लॉन्ग कितना, इंडेक्स कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट. ठीक है, इंडेक्स का, और ये बाद में आ गया स्टॉक्स का पूरा. अभी स्टॉक्स का प्रॉब्लम ये है कि देर आर लाइक अराउंड 145 स्टॉक्स इन F&O राइट नाउ. तो वी डोंट नो कि किसमें कॉल में बाइंग हुआ या किसमें पुट में बाइंग हुआ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट. बट इन इंडेक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट we get a view for market, overall market, because there are two major index jahan pe options liquid hai. One is Nifty and second one is Bank Nifty. Agar Nifty mein buying ho raha hai, call buy kar raha hai, ya phir say Bank Nifty mein call buying ho raha hai, so overall we get a view that they are bullish on the index. So index agar bullish hai to automatically pura market hi upar ja raha hai, stocks bhi uske sath mein perform karenge. Okay, now so for us this data is important. Main isko mark kar diya. Okay, so this is the important data for us. But now looking at this data we can't find out anything ki kya ho raha hai kya nahi ho raha hai, kuch pata nahi hai, because this is a simple data ki usme aapko total positions pata chal raha hai ki total positions kya hai. Now we need to calculate it in a proper way कि हम लोग को ये भी पता चले कि हिस्टोरिकली इन्होंने क्या किया है और करंट डे में इन्होंने क्या किया है. ठीक है, इसमें आपको आज का डेटा बताने चल रहा है. दिस इज द टोटल ओआई. जस्ट
How can we find FI activity in particular stock? See, it's, I think it's next to impossible to find out the exact figure in stocks. ठीक है, FIs ने क्या इस कौन से स्टॉक में कितना करोड़ का बाइंग किया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलेगा अंटिल एंड अनलेस इट्स अ ब्लॉक डील और वो ब्लॉक डील में आता है. बाकी इफ यू लुक एट दिस डेटा कि FIs का इंडेक्स फ्यूचर में इतना करोड़ का बाइंग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि कौन से स्टॉक में बाइंग है. इट्स जस्ट अ गैस वर्क कि ये स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, इसमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा है तो इसमें हो सकता है, बट लाइक NSE don't provide that data कि कौन से स्टॉक में कितना है. ओके, सो व्हाट NSE provide we will discuss that. सो नाउ लेट्स अगेन डाउनलोड द रिसेंट फाइल. ये मैंने पहले 24th का किया था, अभी 27th का डाउनलोड करता हूँ. This is the total open interest as on 27th April. ठीक है, ये that total open interest position as of 24th April. So now what we need to do is we need to find out the difference कि FIs ने क्या क्या किया है. So मैं खाली एक बार FIs का difference find out करता हूँ. So it's easy. Not that difficult. Current data जो है, this one is the current data minus the previous data. Current data minus the previous data, और इसको you just drag it. So we can find out very easily कि index future में FIs has bought worth around 11,901 contracts, 11,900 contracts FIs bought in index futures. It means either Nifty or Bank Nifty, majorly because these are the liquid. Second क्या किया है? Index futures salt जो है वो negative है, ठीक है? Negative it means कि जो salt positions है वो exit किया है. So, एक तो फ्रेश बाइंग किया है, सेकंड क्या किया है कि जो ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस था एफआईज एग्जिटेड देयर एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स, सो व्हिच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन. सो व्हाट एफआई डिड इज दे डिड फ्रेश बाइंग एग्जिटिंग देयर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस इन स्टॉक फ्यूचर्स. दे बॉट वर्थ अराउंड 9960 कॉन्ट्रैक्ट्स. दे टुक शॉर्ट of 18,000 contracts in stock futures. See, this is the short one. So, ये जो heading है वो ध्यान में रखना है कि क्या है क्या नहीं है. Okay. And this is the yesterday's data कि yesterday change in OI कितना है. Okay. Now, index option if you go call long. So, this is I just write it. कॉल बाइंग और कॉल लॉन्ग ही लिख देता हूं. देन पुट लॉन्ग और शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट. ओके, नाउ इफ यू चेक दिस एफआई हैज टेकन अ लॉन्ग पोजीशंस ऑफ वर्थ 9,119 contracts in call, ठीक है, जो fresh buying है. And at the same time, they also took a marginal shorts in call by around 700 contracts. Okay, but in put side, if you see, they had taken a long worth around 9,342 contracts, or put में 9,276. So if we calculate this data, we can see कि call का net positions निकाल लेते हैं. So call net and put net. So call में net net क्या किया है?
दिस इज द बाइंग माइनस द सेलिंग पार्ट. ओके एंड पुट का क्या क्या है, दिस इज द बाइंग एंड दिस इज द राइटिंग. ओके सो नेट नेट FIs did a marginal buying in put option while a good amount of buying was there in call side. Okay. Index future mein, what they did is they bought index futures, fresh positions as well as short covering. In stock futures, they had taken more of shorts because ki jo inka buying tha, usse jyada shorts ko unhone kiya, to net net shorting jyada hai. And in call side, call buying jyada hai as compared to put side. Okay. Now it's very easy to calculate ki kitna call buy kiya hai, kitna put buy kiya hai, kitna index futures mein fresh positions hai, and kitna unka short covering aur fir long unwinding ki wajah se. Now I will again show you the data. कैसे करना है एक बार मैं फिर से बताता हूं. वन क्वेरी इज देयर हाउ टू गेट द बल्क डेटा ऑफ FIs BIs. सो बेसिकली दैट कम्स इन बल्क डील, और बल्क डील में यू नीड टू फाइंड आउट कि वेदर दिस इज फ्रॉम द FIs और फ्रॉम द DI साइड. ओके सो इट्स रेडीली इट्स नॉट अवेलेबल. Now I'm again discussing the same file, and now I will show you a formula jahan se aap isko easily track kar sakte, because this is a one day process. Ek din ke liye theek hai, but historically every day like it's difficult to do this. Okay so main mera file aapko ek bar bata raha hu. So this is my file. If you see this is recent data. I am maintaining this data from November 2014. Kitna buying hai, kitna selling hai, sab kuch hai. Theek hai? FIs ka long short ratio kitna hai, net net unka kitna buying hai, selling hai, prop desk ka kitna hai, retail client ka kitna hai, DIs ka kitna hai. So everything is there. So now you can also make such file. Okay? If any of you are good in a spreadsheet or so, you can make a spreadsheet also, like we did. You can make a spreadsheet up. This is our spreadsheet wherein we get all the data, FIs, BIs. ये Google spreadsheet है जहाँ से हम लोग लेते हैं. But see, it's now I am showing you the process how you can do it. Okay, you can get all the data if. Since it's a lockdown and we have lot of time to do research and study, so you can go for like data of last 1 year, usko download karke, and it won't take much time. Theek hai, ek ya do din mein aap 2 saal ka data bhi maintain kar sakte ho. It's so easy. Okay, so I'm showing you the formulas how you can do that. Now let me just delete everything. Main kaam karta hu, ye file hi band hai. Let me close this file also. So do one thing. This is 27th April. Okay, 24th, I guess I. Close the file. So ये 27 अप्रैल का है. Now let's try to make a file of last 5 days. Okay, it's very easy. As I just showed you, तो काम करते हम लोग 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक का पूरा डेटा बनाते हैं. Okay, few guys are still asking for the path. So चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. So this is the home page of NSE. Go to products, click on equity derivatives. Okay,
current market files and view all daily reports. Right now we are looking at historical data, so I can click here also. But मैं आपको एक बार easy path ये बता देता हूँ कि from where you can get the current market report. So every day you get this file. Listen, participant wise open interest. Participant wise open interest. So this is of our use. Okay. Now I'm going to historical data and archives of daily and monthly report. The second one. If you click on it, you will get all the files: bow copy, daily volatility, combined OI, category wise turnover. Everything is there. So in that, go to participant wise open interest. Okay, and you can select the historical date also if you want to pull down the historical data. So let me just calculate the data of last 6 trading sessions. So 20th April का मैं first लेता हूँ. डाउनलोड से पहले ये सब बंद कर देता हूँ. ओके, नाउ ये 20 अप्रैल का डेटा हो गया. सो एक काम करता है, ये खाली डेटा क्लाइंट डी आई एफ आई रो एंड टोटल इसको एक नया सीट में यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया. ओके, एंड ऑल्सो टेक हेडिंग ऑफ द सेम. व्हाई आई लेफ्ट द फर्स्ट टू कॉलम्स ब्लैंक उसका मैं बताता हूँ. तो राइट डाउन द डेट, द फर्स्ट वन, दिस इज ऑफ 20th अप्रैल 20/04/2020 और सब जगह पे वो पेस्ट कर दो. सो द डेट इज सेम फॉर एवरी डेटा. नाउ गो टू अ फॉर्मूला. देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड अ कॉमन, यू कैन जस्ट राइट, और देयर इज एन एंड फॉर्मूला. बेसिकली एंड फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू दिस डेटा एंड एंड का साइन. ओके, यू कैन सी देयर एंड क्लाइंट टाइम. सो यू गेट अ यूनिक कोड फॉर ईच डे एंड फॉर ईच क्लाइंट टाइम. ओके, बिकॉज एवरी डे यू गेट दिस क्लाइंट डी आई एफ आई प्रो विच इज रिपीटेटिव और एक दिन का 5 भी है डेटा भी. सो यू गेट अ 5 डेट्स एवरी डे and 5 different client types every day. Okay, but on next day again a 5 different client type and the same date. So main isliye maine isko ek unique name de diya, so which we will use for the VLOOKUP. Okay, this you need to do if you are doing if you want to make all data of DI's client like alag alag banana hai. So if you just want to do FIs, तो आपको शायद ये नहीं करोगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ फास्टली जस्ट डाउनलोड ऑल दी फाइल्स. ये 20th का किया था, अभी 21st का करते हैं. डाउनलोड जस्ट कॉपी एवरी डे ऑल थिंग. हेडिंग कॉपी करने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस थिंग एंड दिस इज 21st. नाउ copy 21st, again go to NSE website, download the next file 22nd April. Is it here? ये 23rd April का हो गया. ठीक है, तो हम लोग को 4 दिन का डेटा अभी हम लोग के पास है, तो ये 4 दिन को एक बार let's do the calculation. Okay, so we have 4 days data. So now what I'm doing is I'm making a file for each one. Say FIs. First FIs के लिए एक बना देता हूँ, so that FIs का हम लोग change करेंगे. And in this thing,
यू नीड अ डेटा एंड उसका कैलकुलेशन कैसे करना है. ओके, सो मैं इजी वे से बताता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो फर्स्ट इज डेट. ओके, देन यू जस्ट राइट कि इंडेक्स, और डोंट मैन्युअली डू दिस, यू कैन जस्ट कॉपी दिस हेडिंग, डेट इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ दिस इज दिस वी नीड टू फाइंड आउट फॉर अ सिंगल डे. अभी उससे पहले हम लोग को हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, तो मैं चार पांच ये छोड़ के सेल्स यहाँ पे ये फिर से एक बार कॉपी कर देता हूँ. And before that, also write, sorry, date को यहाँ पे लेना, write client type. So we are taking FIs only, ठीक है अभी. तो FI ले लो, date ले लो, date से we started with 20.04.2020. ओके, तो यहाँ पे फिर से वो एंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस क्लाइंट टाइप. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू यूज द वी लुकअप फॉर्मूला. वी लुकअप फॉर्मूला इज इक्वल्स टू राइट वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट दिस वन जो एंड वाला फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज द यूनिक वन इन बोथ द फाइल. ये सेलेक्ट किया, फिर मैं जहां पे पूरा डेटा है वहां पे गया, लेट मी सेलेक्ट एवरीथिंग पूरा. ओके, नाउ फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट द इंडेक्स फ्यूचर्स, सो दैट इज इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम. ओके, सो यहाँ पे इज इक्वल टू फोर, सॉरी कॉमा फोर, अगेन कॉमा जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज. सो वी गॉट 71,053 जो यहाँ पे कहाँ पे ये रहा 71,053. ओके, लाइकवाइज अगेन अ वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सेम कॉमा गो टू दिस फाइल सेलेक्ट everything. Now index future sold is at fifth column. So ये number आगे ऐसे बढ़ाना है, पहले fourth था, fifth था, ऐसे. And मैं एक दो बार और VLOOKUP का formula सीधा पूरा बता रहा हूँ, so that you can write down either or you can understand it. Again going to this one, comma, take entire data, comma, now this one is फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो सिक्स कॉमा जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज. अच्छा सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट वी लुकअप. तो ये हो गया अभी, चलो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ. ओके, so what you need to do is you need to take the data here, वो link करके रखा है, so that वो link एक बार किया ना, बाद में आपका बीच में कोई day missing भी होगा, then also it will show. ठीक है, वो आपको एकदम properly helpful हो जाएगा, that's why I am doing this one. Otherwise आप normally एक दिन का करना है तो सीधा direct भी कर सकते हैं. Okay, this one is 9th one. Thank you.
सो दिस इज नाउ द एफआईएस डेटा. एक काम कर दो, इसको नीचे बैक कर देते हैं. एंड वी गॉट द डेटा. नाउ एज एंड व्हेन यू पोस्ट अ फाइल हियर, वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा. सो नाउ डू वन थिंग, जस्ट फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अ टूडेज डेटा देन यू नीड टू डेटा की प्रीवियस डेटा एज वेल एज करंट डेटा, देन ओनली वी कैन कंपेयर इट. ओके, प्रीवियस डेटा है तो ही कंपेयर होगा, अदरवाइज वो कंपेयर. I saw the connection lost in between. So we need to compare two data. For that we need a previous data as well as current data. So what I am doing is equals to current data minus previous data. So ये पूरा की पूरा formula यहाँ पे drag कर दो. The same thing you drag it. So we get to know कि कितना buying हो रहा है, कितना selling हो रहा है every day. You just need to keep on posting data here and अपने को पता चलता जाएगा कि क्या-क्या particular day में हो रहा है. Okay? So this is how you can maintain the data. Now the most important part is the view, how to form view on based on this. So क्या होता है कि whenever the strong continuous buying or selling is happening, it means that there is a possibility in market that market may move in the same direction. I am telling you again, this is not a what I can say, the probability of it is around 60-65%. So don't only take a trade based on the FIs and DIs activity, because they also get trapped many times, and there are times when the data is showing a negative side but market keeps on moving higher. Okay, so always use this data as your supporting tool, not as your leading tool. Okay, agar FIs ka continuous buying ho raha hai, it's a good sign, but make sure ki aapko chart mein bhi samne buying signal dikh raha hai. If you get the buying signal in chart, then it will build you a confidence कि नहीं, now this is a good time, or vice versa. For example, अभी जैसे Nifty is moving higher, but FIs are not taking long positions. ठीक है, दो कल उनका derivatives में buying था, but overall if you look at their data, derivative as well as cash market data, so they are not so bullish on equities. Okay, so this is somehow a sign of concern. Derivatives data is helpful for short term trading. एंड कैश मार्केट डेटा थोड़ा पोजिशनल व्यूज है. जनरली इफ यू सी ह्यूज बाइंग और सेलिंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स और इन कॉल एंड पुट, तो नेक्स्ट दो तीन दिन में उसका थोड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में. ओके, नाउ वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो लेट्स टेक सम क्विक क्वेश्चंस. Shorts means swing or intraday. So basically, shorts in FIs are not for intraday, because intraday ka open interest badhta nahi hai. We only get open interest of the positions which get carry forward. Okay. And one more question: why we look up? We can straight away copy paste. We can straight away copy paste. But for example, if you use the same file, now let's take an example. कि मुझे ये सेम फाइल को डीआई का भी करना है. ओके, तो आई जस्ट नीड टू चेंज डीआई हियर. ये चेंज किया तो हर जगह पे डीआई का डेटा आ गया. इफ यू जस्ट राइट क्लाइंट, तो यू विल गेट अ क्लाइंट प्रो वैसे. सो दिस इज अ सिंगल क्लिक चेंज विच यू कैन डू. ओके, सो दैट्स व्हाई नाउ मेन प्रॉब्लम इज एफआई आर सेलिंग इन कैश एंड बाइंग इन एफएनओ. So what's the conclusion? Okay, that's a good question. Basically, as I just mentioned, ki cash ka buying is more of the positional perspective, and F&O trade is more for the short term purpose.
So generally, in that scenario, we can say that they are taking the long positions. We see cash mein buying or selling jo hai wo equities mein ho raha hai, wo futures mein usse kuch lena dena nahi. So jo equities mein jo wo unka long term holding hai, wo dheere dheere exit kar rahe hain. But at the same time, they are also playing for a bounce back in the market through F&O. Okay. Now, where is the? How influencing is that action as DA normally do opposites? Yeah, that's the main problem. Actually, in most of the scenario, we see that whenever FIs are buying worth say rupees 1000 crore, samne DIs ka 1000, 1100, 800 crores ka selling hota hai, and it's 90% of the times that's exactly opposite. But like as we had seen the historical data also, so FIs activity or is more dominating the markets. ठीक है उनका जो activity हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा हो रहा है because they are not a reactive buyer or a seller. FIs, DIs are generally a reactive buyers and sellers. बहुत बार क्या होता है कि market नीचे ज्यादा आ गया so they have to take a position. Or because of the continuous flow or outflow in the MF, they have to stay invested. Okay. तो उनको इसलिए मार्केट में पैसा डालना ही डालना है. वेयर इज एफआईज आर टेकिंग अ व्यू बेस्ड ट्रेड कि बाइंग करना है नहीं करना, इट्स अ व्यू बेस्ड ट्रेड. वेयर इज डीआईज का काफी टाइम पे कंपलसरी ट्रेड्स रहता है. ओके सो दैट्स व्हाई वी हैड सीन कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. कैन वी गेट द स्टॉक वाइज एफआईडीआई एक्टिविटी फॉर नॉन एफएनओ स्टॉक्स? See, basically we can't get that. For that, it's a long process that you need to go into the promoter holding of all the stocks, and then you can find out ki usme FIs ka holding kitna bada hai in a particular quarter. So this is how you can find out. But apart from that, on daily basis, that data is not available. In F&O, they also FIs also they are long on index futures and short on options, or opposite, short in index futures and long in option. What does it mean? Okay, so it means that they are taking a hedge position. For example, say FIs are buying in index futures and selling call option, or they are buying a put option. It means they are taking a hedge trade. Okay, they are expecting the market to move higher, but they are also skeptical about the move. So that's why they are taking a hedge trade ki wo jahan pe future buy kar raha hai uske sath mein either call selling ho raha hai ya fir to hedge that they are buying a put options. Do you maintain a separate seat for stock F&O like you for? See, basically stocks mein I'm not maintaining because it's very difficult to find out ki stocks mein kya buying ho raha hai, kahan pe ho raha hai. So I'm just using stocks ka future buying and selling, this one, this data only, but I'm not maintaining for stock options. Guys, I think we are done for the day, for today's webinar. We'll be there again, and we'll keep on sharing our views on market, our knowledge with you guys, so that you can use this lockdown for some kind of learning, as well as you can find out the view. You can interact with us very easily. Thank you so much for attending this webinar. Every day we have a webinar at 10 to 11 and at 2 to 3. And all fundamental, technical, as well as the commodity currency experts keep on sharing their views with you. So stay connected and stay safe at home. Thank you. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.